इंडियन ज्योग्राफी पार्ट थर्ड कोस्ट। आज हम ये करेंगे इंडियन ज्योग्राफी पार्ट थर्ड कोस्ट। फर्स्ट इज पोरबंदर कोस्ट, सेकंड इज गोहलवार कोस्ट, थर्ड वन इज कोंकण कोस्ट, फोर्थ वन इज कनारा कोस्ट एंड फिफ्थ वन इज मालाबार कोस्ट। हम वी आर डूइंग डेली ऑन डेली बेसिस वी आर डूइंग five topics of Indian geography. So in this way we will easily cover up all the topics of Indian geography. Okay. So आप सभी को मैं ये सारे पोर्ट्स एक बार दिखा देता हूँ। First one is Porbandar Coast. Second one is Gohilwar Coast. Okay. Second one is Gohilwar Coast. फर्स्ट वन इज पोरबंदर कोस्ट, सेकेंड वन इज गोहिलवार कोस्ट इज है पोरबंदर गोहिलवार एंड द थर्ड वन वॉज थर्ड वन क्या था कोंकण कोस्ट एंड कोंकण कोस्ट कनारा कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। सो कोंकण कोस्ट इज है कोंकण कोस्ट, कनारा कोस्ट इज है एंड मालाबार कोस्ट इज है मालाबार कोस्ट। So, अब हम इनके फीचर्स पढ़ लेते हैं। साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द काठियावार पेनिनसुला फ्रॉम द्वारका टू दीव, इम्पोर्टेंट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग रीजन्स। यहाँ से हमें व्हाइट सॉल्ट जो नॉर्थ इंडिया में जैसे उत्तर प्रदेश हरियाणा इन सब रीजन्स में सॉल्ट पोरबंदर कोस्ट के आसपास के एरिया से ही हमें मिलता है। और मेन पोर्ट्स कौन से हैं द्वारका पोरबंदर वेरावल एंड कोडिनार। नेक्स्ट इज गोहिलवार कोस्ट साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ काठियावार पेनिनसुला। ये क्या था पोरबंदर कोस्ट क्या था साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ काठियावार पेनिनसुला। ओके ये क्या है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ काठियावार पेनिनसुला फ्रॉम दीव टू भावनगर। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन कौन से हैं इसके देखो इसमें सेकंड पॉइंट ध्यान रखना फ्रॉम द्वारका टू दीव पोरबंदर कोस्ट इज फ्रॉम द्वारका टू दीव एंड दिस इज फ्रॉम दीव टू भावनगर। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आर महुआ अलंग भावनगर। नेक्स्ट इज कोंकण कोस्ट कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा फ्रॉम गुजरात बॉर्डर अप टू कारवार। फ्रॉम गुजरात बॉर्डर से लेके कारवार तक highly intended coast so many fast flowing high gradient rivers river stream ठीक है ports कौन कौन से हैं देखो जब fast flowing river streams होती हैं तो ज्यादातर waterfalls भी वहीं बनते हैं ठीक है ports मुंबई अलीबाग रत्नागिरी मरमेगांव। next is कनारा कोस्ट इसका नाम कर्नाटक से मिलता जुलता है तो कोस्ट ऑफ कर्नाटका नैरोवर कोस्ट काफी पतला कोस्ट है ठीक है। पोर्ट्स कारवार उडुपी एंड न्यू मैंगलोर पोर्ट्स कौन कौन से हैं कारवार उडुपी एंड न्यू मैंगलोर। स्मॉलर रिवर्स HEP प्रोडक्शन ठीक है ट्रेड ऑफ आयरन ओर एंड पेट्रोलियम आयरन ओर और पेट्रोलियम का ट्रेड होता है यहाँ से कनारा कोस्ट से और ज्यादातर इसका जो आयरन ओर है वो कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है जापान में। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज मालाबार कोस्ट कोस्ट ऑफ केरला नोन फॉर बैकवाटर्स के लिए जाना जाता है हाई रेनफॉल रबर स्पीशीज कॉमक कोकोनट। पोर्ट्स कौन कौन से हैं इसके कसरगोड कन्नूर कोझिकोड़े त्रिशूर कोचिन एंड थिरुवनंतपुरम। रिलेटिवली ब्रॉडर कोस्टल प्लेन विद साइंस ऑफ इमरजेंस ओके सो अब हम क्या करेंगे
हम द हिंदू एनालिसिस से पहले द हिंदू के डेली वर्ड मीनिंग्स करते हैं, ठीक है? डेली वर्ड मीनिंग सेक्शन। तो हम आते हैं इस पर, डेली वर्ड मीनिंग सेक्शन ऑफ द हिंदू। डेली वर्ड मीनिंग्स बेसिकली हमारे क्या फायदा करते हैं कि भाई हमारी वोकेबुलरी काफी इंप्रूव होती है डेली वर्ड मीनिंग्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे, फर्स्ट वर्ड इज सर्टेन। सर्टेन का मतलब निश्चित करना, निश्चित करना, अनक्वेश्चनेबल। सर्टेन अनक्वेश्चनेबल। सिनोनिम्स आर श्योर कॉमा डेफिनेट। एंटोनिम्स आर अनथिंकेबल अन थिंकेबल। हम यहाँ पे ज्यादातर क्या करेंगे कि वर्ड करेंगे, उसका हिंदी में मतलब करेंगे, इंग्लिश में मतलब करेंगे और एंटोनिम करेंगे, ठीक है? सिनोनिम्स एंड दिस एग्जांपल सेंटेंस इफ यू वांट टू रीड देन यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। वी विल डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, सर्टेन निश्चित करना, अनक्वेश्चनेबल। वेटरन, वेटरन मतलब ओल्ड, ओल्ड हैंड, अनुभवी, जिसको काफी ज्यादा अनुभव हो। वेटरन्स किसे कहते हैं? जो आर्मी में रिटायरमेंट ले चुके होते हैं उन्हें वेटरन कहते हैं, अनुभवी, ठीक है? एंटोनिम क्या है इसका? नोवाइस। नोवाइस मतलब नए रंगरूट, जिन्हें कहते हैं नोवाइस, ठीक है? नेक्स्ट इज फैक्शन। फैक्शन अंदरूनी कलह। अंदरूनी कलह मतलब हम अंदर से परेशान हूं, बाय हर्ट वी आर फाइटिंग विद आवरसेल्व्स, ठीक है? इन फाइटिंग एंटोनिम इज हार्मनी। हर किसी के लिए हम खुश मिजाज हो, ठीक है? हार्मनी मतलब हर किसी के लिए खुश मिजाज हो। मर्सिनरी, मर्सिनरी मतलब लोभी, लोभी, मनी ओरिएंटेड, ठीक है? और एंटोनिम क्या है इसका? एल्ट्रुइस्टिक। नेक्स्ट इज रिलेंटलेस। रिलेंटलेस मतलब कठोर, हार्श। ओके, एंटोनिम क्या है इसका? लीनियंट। लीनियंट मतलब लापरवाही और स्मूथली, मतलब आसानी से अलाउ कर देने वाला। इवेड, इवेड का मतलब बचना, एल्यूड, भाग जाना, मतलब रफा दफा हो जाना, ठीक है? एंटोनिम इसका कन्फ्रंट, रोक देना। नेक्स्ट इज ऑडिबल, सुनाई देने योग्य, परसेप्टेबल। और इसका एंटोनिम क्या है? इनऑडिबल। सम अल्ट्रासाउंड इज ऑडिबल टू डॉग्स। एट्थ वर्ड क्या है? सिनिस्टर। सिनिस्टर मतलब अमंगल। अमंगल कब होता है? जब हमारा कभी बिल्ली रास्ता काट के चली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? अमंगल हो गया, ठीक है? थ्रेटनिंग, उससे हमें क्या लगता है? डर लगता है, तो थ्रेटनिंग इसका मीनिंग हो गया। और एंटोनिम क्या हो गया? प्रॉमिसिंग मतलब दिलासा देना कि चलो कोई ना, बिल्ली रास्ता काट के चली गई, कुछ नहीं होता इससे, ठीक है? तो दिलासा देना एक तरीके से। अनर्थ, अनर्थ मतलब पता लगाना, एक्सकेवेट, कि भाई धरती खोद के ये पता लगाया जाता है। कई बार अनर्थ वर्ड कौन इस्तेमाल करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI इस्तेमाल करता है अनर्थ वर्ड को, जब भी कहते हैं आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स को एक्सकेवेट करते हैं वो, ठीक है? आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स को एक्सकेवेट करते हैं, जस्ट लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि धरती में दबी हुई थी, उसको एक्सकेवेट करके, अनर्थ करके हमने पता लगाया कि वहां पे एक सिविलाइजेशन थी, ठीक है? एंटोनिम क्या होगा इसका? बरी, वो एक बरी करना, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड इज जेनरोसिटी। जेनरोसिटी मतलब उदारता, लिबर्टी। लिबर्टी का एंटोनिम क्या हो गया? मीननेस। मीननेस, मीननेस,
दैट्स योर डेली वर्ड मीनिंग सेक्शन कंप्लीट नाउ. अब हम करते हैं द हिंदू एनालिसिस. The Hindu analysis. द इंडो एनालिसिस में सबसे पहला हम क्या देखेंगे, भूटान. भूटान में साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिस्प्यूट क्रिएट करा है अभी चाइना ने, बिकॉज क्या कहते हैं, इंडिया की गलवान वैली में तो ये कुछ कर नहीं पाए, ठीक है, गलवान वैली में कुछ कर नहीं पाए, अब भूटान में ये इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. और क्या कहते हैं, भूटान इज अ बफर स्टेट. बफर स्टेट क्या होता है कि भाई इंडिया की जो आर्मी है वो भूटान की बाउंड्री को यहाँ से पूरा प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, यहाँ से पूरा प्रोटेक्ट करती है, इंडियन आर्मी विल प्रोटेक्ट. तो जैसे ही चाइना अगर इंटरफेयर करता है भूटान की टेरिटरी में, देन इंडिया विल सेंड इट्स आर्मी ओवर हेयर. ओके, इंडिया विल सेंड इट्स आर्मी ओवर है. सो हम इसकी हेडिंग लिख लेते हैं, चाइना डबल्स GS2IR की ये न्यूज है, ठीक है, GS2IR इंटरनेशनल रिलेशंस, इसे लिखते चलना मेरे साथ साथ. चाइना डबल्स डाउन ऑन क्लेम्स ऑन ईस्टर्न भूटान बाउंड्री, इस हेडिंग को कंप्लीट लिख लीजिएगा. चाइना क्लेम्स डाउन China doubles down on claims on eastern Bhutan boundary. On eastern Bhutan boundary. Okay. On eastern Bhutan boundary. So यहाँ पे question क्या arise करेगा? Bhutan and China have no formal diplomatic relations but have held 24 rounds of boundary talks between 1984 and 2016. China doubles down on claims. So question is here arises. Latest updates on India-China standoff. Latest updates on India-China standoff. Comma, significance of Galwan River Valley. Comma, no vowed India-China bilateral relations. India or China ke bilateral relations kaise hain? Okay. What are the disputed areas between India and China? India or China ke beech mein disputed areas kaun kaun se? LAC. एलएसी और मैकमोहन लाइन, एलएसी और मैकमोहन लाइन, ये इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, ठीक है, डिस्प्यूटेड एरियाज बिटवीन इंडिया एंड चाइना. बाउंड्री डिमार्केशंस कॉमा इम्प्लीकेशन ऑफ दीज डिस्प्यूट्स, इन डिस्प्यूट्स के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इंडिया पे, ठीक है, इम्प्लीकेशंस हमें, हमने तो और बल्कि उल्टा रिप्लाई अच्छा खासा कर दिया है चाइना को बाय बैनिंग देयर इकोनॉमी जनरेटिंग एप्स जो भारत में सबसे ज्यादा इकोनॉमी जनरेट करके दे रही थी इनकी. अब जो लोकल एप्स है जस्ट लाइक टिकटॉक, शेयर इट, दीज आर द एप्स, हमने इन्हें बैन कर दिया है. तो हमने इकोनॉमिक प्रहार करा है चाइना पे, और अब चाइना जो है वो दैट पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिस जगह पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आप सभी ने न्यूज चैनल पे देखा होगा कि कहते हैं इंडिया के 20 सोल्जर्स मारे गए थे और चाइना के 40, तो उसी पॉइंट से अब चाइना ने आज डिक्लेयर करा है कि वी विल मूव 2 किलोमीटर्स बैक, ठीक है. तो इन इम्प्लीकेशन ऑफ दीज डिस्प्यूट्स ऑन एंड वेज टू एड्रेस दीज इश्यूज, अब इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि चाइना में
चाइना को अगर बैकफुट पे लेके आना है, अगर बैकफुट पे लेके आना है तो हमें क्या करना होगा, इकोनॉमिक प्रहार करना होगा हमेशा इकोनॉमिक, ठीक है, बिकॉज चाइना में दरअसल क्या है कि चाइना डजंट अफ्रेड फ्रॉम इट्स डजंट गेट अफ्रेड फ्रॉम इट नेबरिंग कंट्रीज से चाइना बिल्कुल नहीं डरता है। और चाइना में दरअसल क्या है कि गवर्नमेंट अपने ही लोगों से सबसे ज्यादा डरती है, बिकॉज 140 करोड़ चाइना की पॉपुलेशन है एंड दे आर बीइंग रूल्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, छोटा सा देश होता तो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में सोचा जा सकता था कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे, जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी चल सकती है। ठीक है, बट चाइना में दरअसल क्या है कि 140 करोड़ लोग हैं तो हर कोई अपने अपना व्यू पॉइंट, हर किसी का अपना अपना दिमाग होता है। ठीक है, तो अपने अपने दिमाग के अकॉर्डिंग हर कोई काम करना चाहता है, बट वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लोगों के पास नहीं है। ठीक है, इन चाइना द पीपल्स डोंट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि चाइना में चाइना अपने बाउंड्री नेशन से नहीं डरता है, चाइना अपने ही पॉपुलेशन से सबसे ज्यादा डरता है, बिकॉज वहां पे वो लोग शी जिनपिंग को बेसिकली हटाना चाहते हैं। तो अनस्टेबल गवर्नमेंट को अगर स्टेबल करना होता है तो क्या करना, चाइनीज गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज है उनसे डिस्प्यूट करना शुरू कर देती है, ताकि जितने भी हमारे बॉर्डर के देश हैं वो ये चाइना पे एक तरीके से अटैक करें, और लोगों का ध्यान गवर्नमेंट की नाकामियों की बजाय चाइना नेशनैलिटी पे चले जाए, मतलब राष्ट्रभक्ति पे चले जाए। ठीक है, नेशनैलिटी पे चले जाए तो चाइना अब इंटीरियर पॉलिटिक्स की वजह से ही सारे डिस्प्यूट्स बॉर्डर पे क्रिएट कर रहा है। अब उसने गलवान का खत्म हुआ तो भूटान पे शुरू कर दिया। ठीक है, साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेक्स्ट इज जीएस टू हेल्थ। दिल्ली रिपोर्ट्स 2,244 फ्रेश COVID-19 केसेस। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नो अबाउट COVID-19, its symptoms, spread and treatment, what is community transmission of the virus means, what are different tests used to detect the COVID-19, containment strategy of the government, concerns and way forward क्या है अब government के, government basically अब August 15 उन्होंने declare करी है कि क्या कहते हैं, दे विल ट्राई टू लॉन्च द वैक्सीन अप टू अगस्त 15, बट वहीं पे ही अब सेकंड न्यूज देखते हैं हम जीएस टू हेल्थ की न्यूज देखते हैं। ठीक है, इसे लिख लेना, वैक्सीन ट्रायल्स टेक 6 to 9 months, डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट कौन है, सौम्या स्वामीनाथन इज डब्ल्यूएचओ चीफ साइंटिस्ट। ओके, तो इन्होंने बोला है कि 6 to 9 months लगते ही लगते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन 6 से 9 महीने लगते ही लगते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इनकी स्टेजेस बता देता हूँ, स्टेजेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट। फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं हम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सेकंड स्टेज में क्या करते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। अभी जो कोवैक्सीन जो है वो अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स पे है, मतलब स्टेज सेकंड पे है। ठीक है, स्टेज सेकंड उसने पार करी है, अब स्टेज थर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स पे आएंगे। ठीक है, स्टेज थर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स पे आएंगे और फिर उसके बाद स्टेज फोर होगी रेगुलेटरी और स्टेज फिफ्थ होगी मैन्युफैक्चरिंग और स्टेज सिक्स्थ होगी पॉलिटिकल कंट्रोल। दरअसल क्या है कि स्टेज फिफ्थ मैन्युफैक्चरिंग में ही 2 से 3 महीने तो मैन्युफैक्चरिंग में ही लग जाते हैं, 2 महीने तो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब अगर वैक्सीन बन भी गई
तो 2 महीने कम से कम इतने लार्ज क्वांटिटी में वैक्सीन बनाना भी तो मशीन एकदम से नहीं बना सकते ना, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ही 2 महीने के करीब लग जाते हैं, ठीक है। और लास्ट स्टेज 6 क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल कि भाई अगर आपने वैक्सीन बनाई है तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल रहनी चाहिए। नेक्स्ट और जो क्या कहते हैं वैक्सीन, तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें किसी भी बात जो आईसीएमआर ने डिक्लेयर करा है 15 अगस्त, हमें उस ये सब चीजें जल्दी में नहीं करनी चाहिए, थोड़ा संभल के काम करना चाहिए। और आईसीएमआर ने ये बात इसलिए बोली है बिकॉज दे वॉन्ट टू फिनिश द रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब कि जो भी फाइल है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्लिनिकल ट्रायल्स की फाइल है और वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जा रही है तो उसमें टाइम ना लगे, रेड टेपिज्म ना हो, ठीक है। रेड टेपिज्म मतलब टाइम लगना, ठीक है, रेड टेपिज्म ना हो और जल्दी से जल्दी काम निपटाने की कोशिश करें। ऑल्दो आईसीएमआर ने खुद ने भी ये डिक्लेयर किया है कि 15 अगस्त इज नॉट अ डेडलाइन, इट इज टारगेटेड टारगेटेड डे, मतलब उनका टारगेट है कि इस तारीख तक हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो दे कैन इंक्रीज द डेज, ठीक है, ऑल्दो दे कैन इंक्रीज द डेज फॉर कोवैक्सीन, कोवैक्सीन। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेंगे, व्हाट इज वैक्सीन, व्हाट इज वैक्सीन, हाउ इट वर्क्स, हाउ वैक्सीन्स आर डेवलप्ड, हाउ वैक्सीन्स आर डेवलप्ड कॉमा, हाउ रेगुलेटर्स कैन इंश्योर दैट वैक्सीन कैन बी सेफ कॉमा एफिकेशियस, एफिकेशियस एंड द रोल ऑफ डीजीसीए, ठीक है, डीजीसीए एंड द रोल ऑफ डीजीसीए। नेक्स्ट इज पेज नंबर 6, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस। ये हुमायूं टॉम्ब है, तो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे मतलब जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उन्हें खोलने का आदेश दे दिया है बाय मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रिवेंशंस, प्रिवेंशंस। तो हुमायूं टॉम्ब के बारे में आप सभी पढ़ लेना कि ये हिस्ट्री का पार्ट है इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे वेदर, वेदर फोरकास्ट कैसा है कि यहाँ पे अब मानसून कवर अप कर रहा है और ये मानसून आ चुका है, तो ये पोर्शन हमेशा न्यूज़पेपर देखते हुए ये पोर्शन हमेशा देखा करें, ठीक है। पेज नंबर 6, इंडिया मस्ट नॉट कैश कास्ट एंकर इन द एनरिका लेग्जी, एनरिका लेग्जी व्हाट आर इटालियन मरीन केस, इटालियन मरीन केस एक तो 2012 का ये केस है जिसमें कि दो मरीन मरीन होते मरीन सेलर्स थे, मरीन सेलर्स थे जो इंडियन बाउंड्री में आ गए, जिन्होंने इंडिया के दो फिशरमैन्स को मार गिराया था, ठीक है, तो इंडिया के दो फिशरमैन्स को मार गिराया था। अब उसका मुद्दा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS, UNCLOS में चल रहा है, और UNCLOS में हमारा स्टेटस वीक पड़ गया है थोड़ा सा, और वहाँ पे क्या कहते हैं कंपेंसेशन, कंपेंसेशन पे एग्री करने की बात हो रही है कि आप कंपेंसेशन ले लीजिए बट हमारे जो मरीन मरीन सेलर्स हैं उन्हें छोड़ दीजिए, ठीक है। ये मुद्दा कहाँ पे चल रहा है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड इंडियाज लीगल एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ। नेक्स्ट इज GS2 क्वालिटी, GS2 क्वालिटी,
re-enfranchise the forgotten voter, re-enfranchise the forgotten voter, ठीक है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे नो क्वेश्चन लिखेंगे नो अबाउट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन कमा आरपीए कमा आरपीए कमा आरपीए पोस्टल बैलेट. पोस्टल बैलेट का मतलब क्या हुआ कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो ठीक है पोस्ट ऑफिस के थ्रू who are eligible for postal ballot, कौन eligible होता है, citizens of India and concerns of migrant workers, concerns of migrant workers and need for postal voting rights for to them. दरअसल क्या है कि जो जैसे बिहार बिहार के जो migrant workers हैं वो अगर दिल्ली या फिर महाराष्ट्र अगर जाते हैं तो उनके जो local area है वहाँ वोटर आईडी वहां की बनी होती है, तो जैसे ही इलेक्शन होते हैं तो वो अपनी वोटर आईडी से वोट नहीं कर पाते बिकॉज दे आर परमानेंटली लिविंग इन आइदर इन दिल्ली और इन महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ वर्क. सो बिकॉज ऑफ वर्क दे कैन नॉट गो बैक. सो हमें ये चीज दे आर फेसिंग द आइडेंटिटी क्राइसिस बिकॉज अगर वो वहां पे वोट नहीं करते हैं तो उनका धीरे धीरे करके वोटर लिस्ट में से भी नाम गायब होना शुरू हो जाता है. तो जितने भी वोटर्स हैं भारत में दोज हु आर माइग्रेंट वर्कर्स दे आर फेसिंग द आइडेंटिटी क्राइसिस झेल रहे हैं और अब जब वो अपने एरिया में वापस गए हैं तो उनके वोटर आईडी कार्ड में प्रॉब्लम होने की वजह से उनके राशन कार्ड बनने में भी प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है. सो यहाँ पे हम किसी की डिमांड कर रहे हैं वन नेशन वन वोटर आईडी, वन नेशन वन वोटर आईडी. नेक्स्ट इज पेज नंबर सेवन, पेज नंबर सेवन GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, GS2 इंटरनेशनल रिलेशन, हाउ टू काउंटर चाइना, हाउ टू काउंटर चाइना, हाउ टू काउंटर चाइना. तो ये इस चीज के बारे में मैं आपको शुरुआत में भी बता चुका हूँ कि चाइना अब संगेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी अपना डिक्लेयर कर रहा है भूटान के साथ. तो चाइना को काउंटर हम कैसे कर सकते हैं, बाय बैनिंग देयर एप्स, बाय बैनिंग सम ऑफ देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इंडिया. चाइना का 100 बिलियन ट्रेड था इंडिया से और अब डिक्रीज करते करते चाइना का 44.2 बिलियन ट्रेड तक आ चुका है. तो चाइना इज एट बैकफुट, चाइना इस वक्त बहुत ज्यादा बैकफुट में बिकॉज देयर इकोनॉमिक कंडीशन इज डिप्राइविंग एंड देयर पब्लिक इज डिमांडिंग दैट दे शुड रिमूव देयर गवर्नमेंट. तो वहां पे इंटरनल डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं और हाई अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, 20% का अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है चाइना में. तो चाइना इज इन टफ सिचुएशन राइट नाउ बिकॉज अमेरिका ने फ्लाइट्स बैन कर दी हैं अपने यहाँ पे आने के लिए और कोई भी देश चाइना से सामान नहीं खरीद रहा है ढंग से. ठीक है. तो चाइना इज अ प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी, चाइना में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है. तो प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन की अगर डिमांड ही नहीं होगी तो उस प्रोडक्शन को कोई फायदा नहीं होगा और अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ता ही चले जाएगा. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ता ही चले जाएगा. सो यहाँ पे हमें क्या देखना है, नो अबाउट इंडिया चाइना, इंडिया चाइना बायलेटरल रिलेशंस, इंडिया चाइना बायलेटरल रिलेशंस कॉमा चाइना पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान एंगल. चाइना और पाकिस्तान ने इकोनॉमिक टाइज करे हैं अभी. ठीक है. तो अब ये देखा जा रहा है कि और जैसे ही उन्होंने इकोनॉमिक टाइज करे तो उन्होंने अपना जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं उन्होंने अपना मूवमेंट ईस्टर्न साइड में करना शुरू कर दिया था. सो वी शुड इंडिया शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर टू साइड वॉर के लिए इंडिया को प्रिपेयर होना है. ठीक है. टू साइडेड वॉर के लिए चाइना पाकिस्तान एंगल, व्हाट आर द डिस्प्यूटेड एरियाज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बाउंड्री डिमार्केशंस comma implication of these disputes and ways to address these issues and ways to address these
these issues and ways to address these issues and ways to address these issues. अब इन सभी इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जा सकता है. इंडिया नीड्स सीरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से लेकर आ रहे हैं तो काफी इंडियन इंडस्ट्री है जो अच्छा खासा काम कर सकती है. सो वी डोंट नीड चाइनीज कंपनी एट ऑल. So next news is page number 10, GST government schemes. GST government schemes. Food grains, page number 10. Food grains offtake by states rises sharply. 7 states availed over 60% of total quantity of rice for distribution from April to June. So yahan pe hum kya dekhenge, know about priority household PHH priority household kya hote hai. Jaise hamare bade budde kaha karte the ki logo ki basic necessity kya 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 hoti hai, roti कपड़ा और मकान. रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान. एंड नो अबाउट अंत्योदय अन्न योजना. अंत्योदय अन्न योजना ये एक प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव है. तो इसमें लोगों को क्या किया जाएगा, लोगों को 5 kg of food grains एंड 1 kg of pulses प्रोवाइड करवाया जाएगा. फ्री फूड ग्रेन एंड फ्री पल्सेस प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है. 7 स्टेट्स अवेल्ड ओवर 60% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अप्रैल टू जून. So next explanation is in my next part of this video. आप सभी join कर लेना. और I have distributed the Hindu analysis always in 2 parts of the video. तो आप सभी join कर लेना, ठीक है. Thank you. और next video आप देखना जरूर.